नमस्ते, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। मेरे चैनल में दिए गए वीडियो यदि आपको पसंद आते हैं तो मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। आइए, मैं आपको समास के बारे में बताने जा रही हूँ। इससे पहले मैं समास के तीन प्रकार के बारे में अच्छे से बता चुकी हूँ। अब मैं आपको समास का चौथा प्रकार द्वंद्व समास के बारे में बताने जा रही हूँ। आप इस वीडियो को अंत तक देखें क्योंकि इसकी अंत में समास को याद करने का सबसे आसान तरीका या सबसे आसान ट्रिक के माध्यम से मैं आपको समास के छह प्रकार को अच्छी तरह से बताऊंगी। आइए, मैं आपको द्वंद्व समास के बारे में बताने जा रही हूँ। इस समास में दोनों पद समान स्तर के होते हैं। इसमें दोनों पदों को जोड़ने वाले समुच्चय बोधक अव्यय का लोप हो जाता है। जैसे समस्त पद है भाई बहन, जब हम इसे विग्रह करेंगे तो यह बन जाएगा भाई और बहन। समस्त पद है भला बुरा, विग्रह जब हम करेंगे तो भला या बुरा। पाप पुण्य, समस्त पद है पाप पुण्य, जब हम इसे समास विग्रह करेंगे तो पाप और पुण्य हो जाएगा। दाल रोटी, यह एक समस्त पद है, जब हम इसे समास विग्रह करेंगे तो दाल और रोटी बन जाएगा। इस समास के विग्रह में और का प्रयोग किया गया है। जब यह समस्त पद बन जाता है तो और छिप जाता है। आइए हम जानते हैं समास का पांचवा प्रकार द्विगु समास के बारे में। इस पद में पूर्व पद संख्यावाची होता है, यानी पहले पद में संख्या देखने को मिलता है। अर्थ की दृष्टि से यह समूहवाची होता है। जैसे समस्त पद है चौमासा, यानी जब हम समास विग्रह करेंगे तो चार मासों का समाहार। त्रिनेत्र, समस्त पद है, जब हम समास विग्रह करेंगे तो तीन नेत्रों का समाहार। नवरत्न, समस्त पद है, जब हम समास विग्रह करेंगे तो नौ रत्नों का समूह। शताब्दी, सौ युगों का समूह। इन सभी समस्त पद के पहले पूर्व पद में, यानी पूर्व पद में संख्या देखने को मिलता है। जैसे चौ, यानी चार, तीन, नौ, सौ, इन सभी में संख्या पाई गई है। इसलिए द्विगु समास में संख्या देखने को मिलता है। आइए हम जानते हैं समास का छठा प्रकार बहुव्रीही समास के बारे में। इस समास में दोनों पद गौण होते हैं तथा ये दोनों मिलकर किसी अन्य पद या तीसरे पद की ओर संकेत करता है। यहाँ पर पहला पद और दूसरा पद दोनों ही प्रधान नहीं होता, यहाँ पर तीसरा पद प्रधान हो जाता है। यहाँ अन्य पद ही प्रधान होता है। जैसे समस्त पद है नीलकंठ, जब हम समास विग्रह करेंगे तो नीला है कंठ जिसका, अर्थात शिव अन्य पद है और इसी की प्रधानता देखी जाती है। पीताम्बर, पीले है अंबर जिसके, जब हम समास विग्रह करेंगे पीताम्बर का तो पीले है अंबर जिसके, अर्थात कृष्ण। यहाँ पर कृष्ण अन्य पद है और बहुव्रीही समास में तीसरे पद की ही प्रधानता होती है। आइए अब मैं आपको समास याद करने का सबसे आसान तरीका बताने जा रही हूँ। समास के छह भेद हैं। पहला भेद या प्रकार है अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास में पहला पद यानी पूर्व पद प्रधान होता है और तत्पुरुष समास में
उत्तर पद प्रधान होता है और कारक का लोप हो जाता है, कारक इसमें नहीं दिखता। कर्मधारय समास में विशेष्य और विशेषण का संबंध होता है। द्वंद्व समास में दोनों पद समान होते हैं। द्विगु समास में पूर्व पद संख्यावाचक होता है। बहुव्रीही समास में पूर्व पद और उत्तर पद गौण अन्य पद की प्रधानता दिखलाता है। आज हमने समास को विस्तार पूर्वक जाना। मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।